तो अब देखो पहले जम्मू जाते हैं या कटरा जाते हैं। हाँ जी, तो ये हम आ गए जम्मू में। ये पीछे सारा जम्मू का बाजार है। तो अब जा रहे हैं रघुनाथ मंदिर में। जम्मू का सबसे फेमस मंदिर है रघुनाथ टेंपल। ये भी हल्की फुल्की चढ़ाई है, लेकिन इतनी वो नहीं है, डिफ़िकल्ट है। दोनों तरफ ही बाज़ार, और जम्मू में ट्रैफिक इतना है कि जैसे दिल्ली में चांदनी चौक में है ना, वैसे ही। ये है मंदिर का गुंबद, रघुनाथ टेंपल और रघुनाथ बाज़ार है ये। और मम्मी जब कश्मीर से आते थे, यहीं पे आते थे। मेरी मम्मी पहले कश्मीर में रहती थी, ढाबा था इनका, ढाबा मतलब मेरे नाने का ढाबा था, वहीं रहते हैं, अपना ढाबा चलाते जाके मस्त। कन्फेक्शनरी की दुकान थी, आप कहते हो ढाबा था, ढाबा बाद में खोला था। पहले कन्फेक्शन है, कहा कि यहाँ रोटी नहीं मिलती, अच्छा रोटी का इंतजाम कर दो। वाह जी वाह, देगा। तो फिर डैडी ने वो खोला, वैसे तो कन्फेक्शनरी की शॉप थी, चाय की और मिठाई की। अच्छा, मतलब सब मिलता जुलता हाँ, काम था, फिर बाद में ढाबा खोला। क्योंकि बाहर से ट्रक आते थे ना माल लोड करने। तो इस मंदिर में ये सब चीजें नहीं ली जा सकती कुछ भी। मंदिर से दर्शन करके बाहर आके मिलता हूँ, फिर अब अंदर तो ले जा नहीं सकते कुछ भी। पापा से पूछ लेते हैं इस मंदिर का इतिहास क्या है जी, बता दो। जैसे रघुनाथ मंदिर कहते हैं ना, रघु कुल में श्री रामचंद्र जी हुए हैं, मेनली मंदिर तो है श्री रामचंद्र जी का। उसके बाद शायद इतिहास में ये पहला मंदिर होगा जिसमें दसों दिशाओं की मूर्तियां स्थापित हैं, साल के 12 महीनों की मूर्तियां स्थापित हैं, और पिंड स्वरूप के अंदर जैसे शिवलिंग होता है वैसे पिंडी स्वरूप के अंदर कृष्ण भगवान के वंशज, रामचंद्र जी के वंशज, सबको स्थापित किया हुआ है। तो ये मंदिर का इतिहास है, बाकी अपने अपने भाव हैं। आप और कुछ कहना चाहो कश्मीर की बात बात है, कुछ कश्मीरी में इनको बोलना चाहो कश्मीरी लैंग्वेज में? वारे छू। क्या? वारे छू। वारे छू, ये क्या होता है वारे छू? ठीक हो हैं? ठीक हो। अच्छा, ठीक हो का मतलब होता है कश्मीरी में वारे छू। चार बज गए, अब 4 बजे लंच कर लेते हैं अंकल जी। क्यों अंकल जी भी हंस रहे हैं। 4:15 बजे लंच करते हैं अपना। वो 7 बजे दुकान वालों से पूछा था, वो कह रहे अच्छा खाना होता है इनका। अब बाकी देखो अच्छा खाना है कि नहीं वो बाद में बताएंगे। यहाँ खा रहे हैं देसी ढाबा है, तो अब टेस्ट करके बताऊंगा कैसा है कैसा नहीं, ताकि कभी आप भी आओ ये रघुनाथ बाजार में। रघुनाथ मंदिर से जस्ट 10-15 कदम की दूरी पे है ये, तो अब टेस्ट करके बताऊंगा कैसा है कैसा नहीं। ये चने की दाल, राजमा, पालक पनीर, मक्खन। की नाम है तोड़ा? मेरा नाम राजू। राजू, अच्छा। मेरे का 26 साल हो गए। 26 यस। अच्छा यस।
आपके ड्राई फ्रूट वाली दुकान, तो ये वो अंकल बता रहे थे 101 साल पुरानी है, 100 साल पुरानी दुकान है और बहुत मशहूर है। अभी जो मंदिर में जूते क्लॉक रूम में जो भैया थे वो कह रहे थे कि सबसे महंगी दुकान है जम्मू की चुन्नीलाल अमरनाथ ड्राई फ्रूट के मामले में, राजमा वाजमा लेने हो आपने। दर्शन कोल कंदोली, जो मतलब पुराने लोग हैं बुजुर्ग हैं हमारे, तो वो कहते थे कि पहला दर्शन कोल कंदोली, दूजा दर्शन देवा माई। पहले दर्शन कराते हैं यहाँ, जो वैष्णो देवी माँ है त्रिकुट पर्वत पर, वहाँ के सबसे पहले पुजारी हुए हैं जिनको माँ ने दर्शन दिए थे, उनका नाम था श्रीधर। श्रीधर जी इस गांव के निवासी थे। तो कोल कंदोली, कोल मैंने होता है एक कटोरा बड़ा, कोल कहा जाता है कश्मीरी भाषा हिमाचली भाषा के अंदर, कोल कंदोली मैंने राउंड सर्कल गोल चक्कर। तो माँ ने यहाँ श्रीधर जी को स्वपन में आदेश दिया था कि आप यहाँ पे भंडारा करो, तो उन्होंने कहा जी मैं तो बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ तो मैं कैसे भंडारा कर पाऊँगा। उन्होंने कहा तो पूरे गांव को बुलाओ, तो यहाँ जो अभी देख रहे हैं इसको फोकस करो मंदिर को, ये छोटी सी कुटिया है, लगभग 3 से 4 फुट की डेप्थ होगी अंदर। तो ये किसी फिल्म में भी दिखाया गया था, तो वो ये कोल कंदोली जब माँ ने कहा था आशीर्वाद दिया था आशीर्वचन कहे थे तो ये दीवारें बढ़ गई थी। तो यहाँ पे पूरे आसपास के कई गांवों को बुलाया गया था, कई हजारों लोगों को माँ ने दिव्य कन्या के स्वरूप में यहाँ पे लोगों को भंडारा कराया था। ये दर्शन कोल कंदोली माई जी के पहला दर्शन कहलाया जाता है ये, तो अगर ये ना करो तो कहते हैं यात्रा पूरी नहीं कहलाई जाती, लेकिन आजकल कोई मानता नहीं। अगर बाई रोड भी आओगे तो नया हाईवे बना पड़ा है, तो सब लोग वहीं से वहीं चले जाते हैं। इसके लिए स्पेशल आपको पुराने हाईवे पे नगरोटे एरिया में आना पड़ेगा नीचे, लेकिन आजकल कोई मानता नहीं तो इस वजह से कोई आता नहीं ज़्यादा यहाँ तक। पहले ये मंदिर 2400 घंटे खुला रहता था, लेकिन अब ये मिलिट्री के अंडर हो गया तो रात को 10 बजे तक खुला रहता है। ये देख सकते हो साथ में मिलिट्री का ही एरिया है और ये पार्किंग एरिया है। यहाँ पे वो हाईवे आ रहा है पुराने वाला, वहाँ से आके यहाँ पे गाड़ी लगाओगे और ये रहा मंदिर। ये पहला दर्शन हो गया कोल कंदोली, अब जाएंगे देवा माई दूसरा दर्शन। वो कटरा से 5-10 किलोमीटर पहले ही है, ज़्यादा दूर नहीं है वो, तो अब सीधा वहाँ जाके दर्शन करते हैं। बाकी अब शाम हो रही है तो हल्की हल्की ठंड भी होना स्टार्ट हो गई है।
देखी है आपने टनल, तो ये नए हाईवे पे बनी हुई है टनल, चार टनलें हैं, ये दो तो बहुत लंबी हैं जैसा आपने देखा वीडियो में, और दो छोटी हैं। तो पुराने हाईवे से जो जाते थे वहाँ पे खाली एक टनल आती थी, अब ये जो नया बना है ये चार टनल बनी है, मतलब चार पहाड़ों को काट के ये रास्ता बनाया है इन्होंने। तो अब जा रहे हैं कटरा, कटरा रह गए यहाँ से 18-20 किलोमीटर। हाँ जी, तो अब रुके हैं यहाँ पे चाय पीने, क्या नाम है, दाता वैष्णो ढाबा। तो यहाँ से 15 किलोमीटर रह गया है कटरा, तो बड़ा अच्छा फील होता है इस समय यहाँ पे कटरे में आके, ना ऐसा लगता है माता रानी की गोद में आ गए हैं, और रोना निकल जाता है जब यहाँ से वापसी पे जाते हैं। तो चलो अब चलते हैं अंदर, चाय पीते हैं, और ठंड अभी गाड़ी से उतरे हैं तो इतनी नहीं लग रही, बाकी देखो अब थोड़ी देर बाहर बैठेंगे 10-15 मिनट तो कैसे लगती है कैसे नहीं ठंड। सर्दी शुरू हो गई। नंदनी के पकोड़े बहुत फेमस होते थे, पनीर पकोड़े, वो नंदनी पड़ता था पुराने हाईवे पे, अब जब से ये नया हाईवे बना है तो कहते हैं यही नंदनी वाले लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे ढाबे बना लिए, अब क्या सच है क्या झूठ है पता नहीं, पकोड़े वो ऐसे ही होते थे नंदनी में।